हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीट कोड वीकली कॉन्टेस्ट 265 का प्रॉब्लम सी, दैट इज मिनिमम ऑपरेशंस टू कन्वर्ट अ नंबर। प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। इसको हम देखते हैं, मतलब इसको हम देखेंगे करके कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं। प्रॉब्लम में क्या है, वी आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे नम्स गिवन है, जिसमें क्या है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और एन इंटीजर आपको एक स्टार्ट नाम का इंटीजर गिवन है एंड आपको एक गोल नाम का इंटीजर गिवन है करके, ठीक है। और इनिशियली आप एक्स पे हो और एक्स की वैल्यू किसके स्टार्ट के इक्वल है, ठीक है। और वी कैन परफॉर्म फॉलोइंग टाइम्स ऑफ ऑपरेशन ऑन एक्स ऑन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। और एक्स कोई भी एक नंबर हुआ करके, और हाँ गिवन भाई एक्स 0 और 1000 के बीच में ही हुआ करके, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर को चूज कर सकते हो 0 से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक। और आप ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करोगे पता है, एनी ऑफ द ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, एक्स प्लस नम्स आई, एक्स माइनस नम्स आई एंड एक्स एक्सोर नम्स आई। मीन्स आपने नम्स में से आपके कोई भी इंटीजर को पकड़ा और एक्स के साथ उसको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और एक्सोर किया करके, ठीक है। अब मीन्स अब क्या और क्या बताया गया है करके, हम ये एक हमें सारे नम्स आई जो भी आपके प्रेजेंट है आप उसको एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो एक्स के ऊपर, और इन एनी ऑर्डर आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि ऑपरेशन एक्स के ऊपर तभी परफॉर्म होंगे जब एक्स 0 से लेकर 1000 की रेंज में होगा। अदरवाइज उसके बाद मीन्स अगर कोई नंबर 0 से 1000 की रेंज में होगा तभी आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे करके, ठीक है। कौन से ऑपरेशन, ये वाले तीन ऑपरेशन जो है करके, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू कन्वर्ट एक्स इज इक्वल टू स्टार्ट इन टू गोल्स, अदरवाइज -1 इफ इट इज इम्पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना करके, ठीक है। अब देखते हैं इसकी अप्रोच देखते हैं तो अपने को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा नम सारे है, ये आपका स्टार्ट है 2 एंड ये आपका एंड गोल है क्या 12, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास एक स्टार्ट है 2, ठीक है। आपके पास देखो अभी इनिशियली आप तो नहीं जानते कि आपको आंसर कौन से नंबर से मिलेगा, या फिर उस मतलब आपके नंबर्स में से कौन एरे में से कौन से नंबर से मिलेगा, या उस नंबर पे कौन सा ऑपरेशन प्लस माइनस एक्सोर क्या करके मिलेगा, तो आपको नहीं पता। हम इस बात से अनजान है तो हम क्या करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, 2, 4, 12 सबको एक्सप्लोर करेंगे और सबके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सोर तीनों परफॉर्म करके देखेंगे करके, ठीक है। अब देखो 2 है, इसके ऑप्शन कौन कौन से, इसके एक ऑप्शन है कि भाई वो नम्स वाले नंबर 2 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, या तो ये 4 के साथ कर ले, या तो ये 12 के साथ कर ले, तीन नंबर है ना भाई इसके साथ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो भी हमारा फर्स्ट होगा वो क्या होगा, एडिशन फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन क्या है सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड ऑपरेशन क्या है, थर्ड ऑपरेशन है एक्सोर। और एक्सोर का तो आप जानते होंगे जब भी डिफरेंट नंबर होते हैं 1 0 होंगे तो 1 होगा, और या 0 1 होंगे तो 1 होगा, और जब भी 0 0 0 0 होगा तो 0, या फिर 1 1 होगा तो 0। एक्सोर में क्या होता है, जब डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो 1 होता है अदरवाइज 0 होता है, ये एक्सोर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो 2 क्या है, पहला ऑपरेशन क्या है प्लस, अगर 2 2 वाला जो नंबर है अगर वो 2 के साथ प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 4। अगर वो 2 सेकंड ऑप्शन 2 माइनस 2 करेगा तो ये वाले नम्स आई के साथ दैट इज जो फर्स्ट नंबर, तो आ जाएगा 0। एंड 2 एंड 2 अगर एक्सोर करेंगे आपस में तो भी क्या आ जाएगा, 0। ओके आगे चलते हैं 4। अब 2 के पास अगला ऑप्शन क्या है कि वो 4 के साथ भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, प्लस माइनस एक्सोर कुछ भी। अब देखो अगर 4 के साथ उसने प्लस किया तो क्या आएगा, 2 क्या 6 में कन्वर्ट हो गया, 4 के साथ माइनस करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 माइनस 4 दैट इज क्या हो जाएगा, -2। एंड अब देखो 2 एंड 4 अगर एक्सोर करेंगे आपस में तो 2 एंड 4 का अगर आप एक्सोर देखोगे तो देखो ये क्या है, ये 4 है, ये मीन्स ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और ये 2 है। अगर इनका आप एक्सोर देखो तो क्या आएगा, 1 1 0 दैट इज क्या आ जाएगा, 0 6। एक्सोर करोगे तो भी आपको क्या मिला, 6। अब देखो 2 का 12 के साथ अगर आप एडिशन करोगे तो क्या आएगा, 40। 2 का 12 के साथ आप ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, -10। और 2 एंड 12 का अगर आप एक्सोर भी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 14। 14 मिला, आप एक्सोर करके देख लेना, ठीक है। तो देखो 2 था नंबर, मींस ये एक कोई भी आपके पास नंबर गिवन है तो उसके पास क्या होंगे आपके नम्स, हम मानते हैं कि आपके जो नम्स सारे की साइज क्या है n, तो हर नंबर के पास n ऑप्शंस होंगे, जितने भी जैसे 2 है उसके पास क्या है, n ऑप्शंस है, तीन नंबर्स है ना, तो n ऑप्शंस है, और हर ऑप्शन क्या करेगा उसको 3 रिजल्ट्स देने वाला है करके, कितने रिजल्ट देने वाला है, 3 रिजल्ट देने वाला। तो 2 था उसके पास ऑप्शन कितने थे, 3, और हर नंबर 3 रिजल्ट देगा तो 3 × 3 9 9 नंबर्स आपके पास आने चाहिए थे। पहले लेवल पे क्या था, 2, और 2 को 2 के ऊपर आपने जब ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आपको 9 नंबर मिले, कितने नंबर मिले भाई, 9 नंबर मिले, 4 0 0 6 -2 6 14 -10 14। देखो आपको 9 नंबर मिल गए ना, आपको 9 नंबर मिलने ही थे क्योंकि हमने सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया हुआ है, ठीक है। अब एक बात देखते हैं कि भाई अगर आप इनमें से कुछ नंबर रिपीट भी हो रहे हैं, अगर आप ये 0 को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और ये 0 को ऑपरेशन लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो रिपीटेशन होने ही वाला है करके, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं हम उनके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, मीन्स हर नंबर की एक ही डिस्टिंक्ट कॉपी को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ये 0 को हमने आगे नहीं ले जाएंगे,
ये 6 को हम आगे नहीं ले जाएंगे, ये वाले 14 को हम आगे नहीं ले जाएंगे करके, ठीक है। मिस एक बार अगर कोई नंबर जैसे 0 है तो इसका दोबारा से रिपीटेशन तो आपको लेकर नहीं जाना, क्योंकि भाई रिजल्ट तो आपको हम सेम ही मिलने वाला है। तो क्या हो गया, अब देखो डिस्टिंक्ट नंबर कितने बचे, 4, 0, 6, -2, 14, 10, टोटल 6 नंबर बचे, बाकी बाकी क्या रिपीट हो रहे थे करके, ठीक है। तो ये नंबर बचे, अब इनको लेके हम आगे बढ़ते हैं, और हर नंबर के पास क्या एन इंटू थ्री ऑप्शन होंगे। अब देखो जैसे ये अपना ये 4 वाला 4 है, ये 0 है और ये एक 0, तो ये 0 को तो हम लेने जाएंगे। तो सपोज हम इस ये वाले 0 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आपको सभी के साथ करके देखना है, लेकिन हम जस्ट एग्जांपल के लिए हम सपोज 0 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 0 के पास ऑप्शन क्या क्या है, 0 के पास ऑप्शन है 2, 4 एंड क्या है 12, ये दोनों ऑप्शन है 0 के साथ, ठीक है। अब देखो ये जो 2 2 0 है, अगर 2 के साथ वो मिस एडिशन परफॉर्म करेगा तो 0 और 2 क्या होता है 2, एंड अगर वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा तो क्या हो जाएगा -2, एंड वो अगर एक्सोर परफॉर्म करेगा 0 और 2 का एक्सोर भी क्या होता है 2। तो ये 2 के साथ ये तीन रिजल्ट आए, मीन्स अगर जो हमारा 0 अगर 2 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो ये आएगा, और 0 अगर 4 के साथ करेगा तो एडिशन तो आएगा 4, सब्ट्रैक्शन करेगा तो क्या आएगा -4, एंड एक्सोर करेगा तो भी क्या आ जाएगा 4। 0 अगर 12 के साथ अगर एडिशन करेगा तो क्या आएगा 12, सब्ट्रैक्शन करेगा तो क्या आएगा -12, एंड एक्सोर करेगा तो क्या आ जाएगा 12। तो ये देखो ये 0 के साथ या 4 के साथ करोगे तो 4 के साथ वापस से 9 नंबर मिलेंगे, क्योंकि हर नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो n इंटू 3 आपको पॉसिबिलिटीज है, तो 9 नंबर मिलेंगे, क्योंकि n कितना है 3, 9 नंबर मिलेंगे। तो 0 4 के साथ करो तो भी 4 मिले, 9 नंबर मिलेंगे। अब ये वाले 0 के साथ करते हैं ना, तो यही वाला चीज रिपीट हो जाता करके, ठीक है, यही वाली चीज रिपीट हो जाती किसकी, ये वाले 0 के साथ, इसलिए हम ये वाले 0 को लेकर आगे नहीं बढ़े, हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली 6 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 9 नंबर मिलेंगे, 2 के -2 के साथ करोगे तब भी 9 नंबर मिलेंगे। सपोज अब हम आके यहाँ 14 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो 14 है, 14 के पास भी ऑप्शन क्या क्या है, 14 के पास ऑप्शन थे 2, 4 एंड 12, ये तीन ऑप्शन है 14 प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और सभी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो कुल मिला के आपके पास 9 नंबर आएंगे, क्योंकि हर नंबर के साथ तीन ऑपरेशन परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो 14 क्या करेगा, ये पहला ऑपरेशन क्या है एडिशन, 14 अगर 2 के साथ एडिशन करेगा तो क्या आता है 16, सेकंड क्या है सब्ट्रैक्शन, 14 अगर 2 के साथ सब्ट्रैक्शन करेगा तो क्या आएगा 12, एंड 14 अगर 2 के साथ 14 अगर 2 के साथ एक्सोर करेगा तो कितना आएगा 14 अगर 2 के साथ, देखो 14 होता है 8, 4, 2, 1, ठीक है, ये है 14, और 2 के साथ अगर वो एक्सोर करेगा तो क्या आएगा 2 के साथ अगर वो एक्सोर करेगा तो भी आपको कितना मिलेगा 1, 1, 0, तब भी आपको क्या मिलेगा 12, तब भी आपको 12 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली वो 4 के साथ अगर एडिशन करेगा तो क्या आएगा 18, सब्ट्रैक्शन करेगा तो क्या आएगा 10, और अगर वो एक्सोर करेगा तब भी क्या आएगा 10, ठीक है। और सिमिलरली अगर 14 और 12 एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 26, एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 2, एंड 14 एंड 12 अगर एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। तो ऐसे ही आप -10 के साथ भी करोगे तो भी आपको 9 नंबर मिलेंगे, आप हर नंबर के साथ ऑपरेशन सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको 9 नंबर मिलना ही है करें। लेकिन इसमें आप एक चीज देखो भाई, देखो 12 आ गया, 12 ही आपका आंसर था, तो आपको आपका आंसर मिल गया, और कितनी बार मिला, देखो सबसे पहले 1 था, 2 था, 2 से आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या क्या हुआ, ये 9 नंबर मिले। अब ये मतलब आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आपके पास ये 9 नंबर मिले थे कि भाई आप इनको लेके आगे बढ़ो, तो हमने डुप्लीकेट्स को ले लिया को छोड़ दिया, एंड रिमेनिंग 6 नंबर को लेके आगे बढ़े अगले मीन्स सेकंड ऑपरेशन के लिए, सेकंड ऑपरेशन को आपने परफॉर्म किया तो आपको 12 आपका आंसर मिल गया करके, ठीक है। तो 12 आपका आंसर मिल गया आपको। अब देखिए अगर आपको सपोज अगर 12 आपका आंसर नहीं होता, 12 आपका आंसर नहीं होता ना, तो आप आगे बढ़ने के पहले क्या क्या करते, ये वाले 2 को छोड़ देते, ये वाले 1, 12 को छोड़ देते, रिपीट होने वाले नंबर्स को छोड़ देते, क्योंकि भाई ये नंबर आगे जाके आपको सेम रिजल्ट ही देने वाले, तो हम जो भी रिपीट होने वाले नंबर्स है ये रिपीटेशन को हम छोड़ के ही आगे बढ़ते करके, ठीक है। इसीलिए मतलब रिपीटेशन को आपको लेके आगे नहीं बढ़ना है, और रिपीटेशन के बाद हम कैसे ध्यान रखेंगे कि भाई अगर कोई भी एक्स है, एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1000 है, तभी हम उसका रिपीटेशन को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तभी आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। अगर नंबर इस रेंज के बाहर है तब तो ऑब्वियसली बात है आप ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करोगे, उसको लेके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मीन जैसे यहाँ पे हम इन नंबर्स को लेके आगे बढ़ रहे, लेकिन अगर इनमें से कोई नंबर होता जो कि 0 से कम या फिर 1000 से ज्यादा होता, मीन आउट ऑफ रेंज, तो हम उसको लेके आगे नहीं बढ़ते, उसको हम वहीं पर ड्रॉप कर देते। अगर वो आंसर होता तो हम रिटर्न कर देते, अदरवाइज हम उसे ड्रॉप कर देते, ठीक है। देखो हम सेकंड लेवल पे आए तो आपका काम हो गया। तो देखो आप इसको टिपिकल देखोगे तो टिपिकल डेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या भाई, लेवल वाइज आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो लेवल वाइज के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, क्यू, एंड उस एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं भाई, बीएफएस, क्या बोलते हैं बीएफएस, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन देखो पहले लेवल पे 2 था, अगले लेवल पे आपको 9 नंबर मिले, उसके और अगले लेवल पे जाओगे तो
हर नंबर के करस्पॉन्डिंग नाइन नाइन इंटीजर्स मिलते जाएंगे करके, ठीक है। तो ऐसे ही लेवल वाइज करके ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। टू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए तो ये नंबर मिले, इन नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो नेक्स्ट लेवल में इतने सारे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा ऐसे करके आगे बढ़ना और किसी ना किसी मोमेंट पे आपको आंसर मिल जाएगा करके, ठीक है। और हाँ, नंबर अगर रेंज आउट ऑफ रेंज है तो उसको आपको ड्रॉप कर देना, उसको लेके आगे नहीं बढ़ना है करके, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं तो अपने ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई दो बार में, फर्स्ट टाइम ये, सेकंड टाइम ये, दो बार में आपका आंसर आ गया तो आपका आंसर क्या है, टू। इसका कोड देखेंगे तो अपने ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए ये रहा हमारा कोड। सबसे पहला चीज हमने क्या किया, एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज लिया, और एक हमने विस्टेड वेक्टर लिया। ये क्या ट्रैक करेगा कि भाई कोई रिपीट होने वाला नंबर को हम लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए जैसे को जीरो एक बार आ गया तो दूसरी बार हमने नहीं लिया, सिक्स एक बार आ गया तो दूसरी बार नहीं लिया, क्योंकि हमने विस्टेड वेक्टर लिया कि भाई वो ट्रैक करेगा कि भाई कोई नंबर ऑलरेडी विजिट हो चुका है कि नहीं। अब क्यू भाई स्टैंडर्ड, अगर आपको बी एफ एस लगाना है तो क्यू का यूज करना पड़ता है। क्यू में सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार्ट को पुश कर दिया, आंसर इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, मीन जो पर्टिकुलर लेवल पे जो नंबर से उनको ही लोगे आप। जैसे पहले लेवल पे टू थे, फिर नेक्स्ट लेवल पे अगर आप जाओगे तो एक एक लेवल वाले नंबर्स को ही आपको लेना है करके, ठीक है। तो इसलिए हमने एस क्यू डॉट साइज दिया। वाइल एस माइनस माइनस करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट एंड क्यू डॉट पॉप, अगर करंट इज इक्वल टू गोल हो गया तो फिर रिटर्न आंसर की भाई आप पहुंच चुके हो करके, ठीक है। आंसर को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया हुआ है करके। जब भी आप एक रेंज में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे तो आप आंसर प्लस प्लस कर दोगे, भाई एक बार हम ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखो अगर गोल है तो रिटर्न आंसर, अदरवाइज अगर आउट ऑफ रेंज हो, कर लेस देन जीरो, कर ग्रेटर देन थाउजेंड, या फिर अगर वो नंबर ऑलरेडी विजिटेड है तो आपको उसको लेके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने है। वी डोंट नीड टू परफॉर्म ऑपरेशन, भाई तब आपको ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करने, क्योंकि भाई क्यों, ये नंबर आउट ऑफ रेंज है या फिर ये नंबर ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं करके, ठीक है। एक बार मीन्स अगर कोई नंबर एक बार विजिट हो चुका है तो आप दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे। अगर विजिटेड नहीं है, मीन्स रेंज में और विजिटेड नहीं है, तो आपको विजिटेड करंट इज इक्वल टू वन कर दो। और देखो आपके एरे में जितने भी नंबर है एन, आप सबको ट्रेवर्स करो और हर नंबर मीन्स हमारा जो प्रेजेंट है करंट, ये जो कर है इसके पास है ना, हर नंबर के करस्पॉन्डिंग तीन पॉसिबिलिटीज हैं। आपके एरे में एन एलिमेंट्स है, सबके करस्पॉन्डिंग तीन पॉसिबिलिटीज है, क्या, कर प्लस नमसाई, कर माइनस नमसाई एंड कर एक्सोर नमसाई, ठीक है। तो क्या करो, क्यू में पुश कर दो, क्यू डॉट पुश ए, क्यू डॉट पुश बी, क्यू डॉट पुश सी, इसको आपको परफॉर्म कर दो। अगर अगर आप नेक्स्ट टाइम जब आप अगले लेवल पे जाओगे, अगर करंट इज इक्वल टू गोल होगा तो रिटर्न आंसर। अगर और एक रेंज में आपने मतलब एक लेवल पे आपने सारे इंटीजर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो भाई एक बार आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, आप आंसर प्लस प्लस कर दो। अगर ये सब होने के बावजूद अगर आपका आंसर प्लस प्लस नहीं, अगर आपका आंसर नहीं मिला तो आप क्या करो, रिटर्न माइनस वन कर दो, ठीक है। अब ये वाला जो अप्रोच है इसकी टाइम को हम लोग सेट क्या होगी, देखो आपके पास ज्यादा से ज्यादा आप 1000 नंबर को विजिट करने वाले और उनको विजिट करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं रह जाएगी करके, ठीक है, क्योंकि सारे सारे विजिटेड हो जाएंगे तब तो आप अगर आपका आंसर आएगा तभी काम चलेगा, नहीं तो आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे। देखो आपका 1000 हो जाएगा और हर नंबर के करस्पॉन्डिंग कितने एन, हर नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या है, हर नंबर के पास एन एन ऑप्शन है ना, क्योंकि आप वो एन नंबर के साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है करके, ठीक है। तो एटमोस्ट क्या होगा, 1000 नंबर होंगे और एन मीन्स एन हर नंबर के पास आपके एरे में जितने भी इंटीजर्स सबके साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो 1000 इनटू एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है करके। अगर हम थ्री क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हर आप थ्री को भी तो बोल सकते हैं, लेकिन भाई हम थ्री को लेंगे ना तो वो भी कुल मिला जाकर 1000 नंबर के अंदर की ही रेंज आएगी करके, ठीक है। मतलब सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अगर वो 1000 के अंदर है तभी आपका काम होने वाला है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 1000 इनटू एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ये इसका ये मीन इसका कोड हो गया करके, और बहुत ही स्टैंडर्ड बी एफ एस का बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है करके, ठीक है। एक बार में आपको लगेगा कि भाई डीपी वाली भी फील दे रहा है, मीन इन द कॉन्टेस्ट मैंने भी डीपी का ट्राई किया था, लेकिन बाद में ये बी एफ एस का ही प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड बी एफ एस है करके, ठीक है। इस सबसे बड़ी हिंट इसकी यही थी कि भाई 1000 के अंदर नंबर होंगे तभी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन एंड कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा करके। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो जरूर बताएं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आसान से आसान भाषा में ला सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।